हम शिकायत करेंगे तो जिंदगी असामान्य नहीं हो सकती, शिकायत करना बंद करेंगे तो जैसी जिंदगी चाहेंगे वैसी जिंदगी आप जी सकेंगे, उसका निर्माण कर सकेंगे। ये आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग समूह तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, ठाणे यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं और रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं। ठाणा में हम नए नए जगह पे अभी शिफ्ट हो चुके हैं, बड़ी जगह है। आज बताने वाला हूँ मैं कि काफ़ी लोग कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, और शिकायत लोग इसलिए करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जो अभी चल रहा है उससे अच्छा संभव है। मतलब मैं मेरी पत्नी की शिकायत करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो इसका स्वभाव है ना, इससे अच्छा स्वभाव उसका होना संभव है। या जो भी कोई पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो इससे अच्छी पढ़ाई वो कर सकता है और इससे अच्छे मार्क वो ला सकता है। तो मुझे जहाँ जहाँ लगता है कि नहीं, जो चल रहा है उससे अच्छा वो कर सकता है, वहाँ मैं कंप्लेन करते रहता हूँ। हम शिकायत उसकी करते नहीं हैं कि जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, वो बात की हम शिकायत ही नहीं करते। उदाहरण के तौर पे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, तो ग्रेविटी के तौर पर मतलब ग्रेविटी है इसलिए हम नीचे गिर जाते हैं, उसके बारे में हमको कहाँ शिकायत है। उल्टा ग्रेविटी का इस्तेमाल करके हमने अलग अलग खेल तैयार किए। अमेरिका का अध्यक्ष जो है उन्होंने कैसा बर्ताव करना चाहिए, उन्होंने क्या पॉलिसी करना चाहिए, उसके बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं उससे कोई वास्ता रखता ही नहीं हूँ और उससे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में कंप्लेंट नहीं करूँगा। कंप्लेंट वो बारे में करता हूँ जहाँ ऐसा मुझे लगता है कि इससे अच्छा संभव है। शिकायत करके जहाँ बदलाव आएगा ऐसा हमको लगता है, वहाँ हम कंप्लेंट करते रहते हैं। हमने चुन लिया है, हमारी ज़िंदगी में हमने चुन लिया है, और जो चुन लिया है, जो जिसका चुनाव किया है, वो हमको मिलते रहता है, और हमको और कुछ तो भी चाहिए इसलिए हम कंप्लेन करते रहते हैं। हमको मालूम है कि अच्छा खाना संभव है, मगर हमने जो खाना मिल रहा है उसको चुन लिया है। अच्छा खाना संभव है, ना बोलना संभव है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके अच्छी डिग्री लेना संभव है, कॉलेज जाना और अच्छी पढ़ाई करना संभव है, किसको मदद करना संभव है, कार खरीदना संभव है, कार बेचना संभव है, अच्छे मकान में जाना संभव है, अच्छे दुकान में जाना संभव है। हमको मालूम है कि जो चल रहा है उससे अच्छा नया जॉब है, प्रमोशन लेना है, जो भी हमको संभव है वो हम कर सकते हैं, मगर हम वो करेंगे नहीं। क्यों? कि उसमें रिस्क है, धोखा है, जोखिम है। जोखिम क्या है? फेल्यूर की जोखिम है, फेल हो जाएंगे। लोग क्या कहेंगे ये जोखिम है, लोग गलत ठहराएंगे ये जोखिम है, कुछ तो भी झगड़ा होगा, प्यार कम होगा, ऐसा कुछ तो भी लगता रहता है, इसलिए हम फिर नया कुछ करना चाहते नहीं हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, उनके बारे में हम कंप्लेन करेंगे क्योंकि हमको लगता है कि नहीं, जो चल रहा है उससे अच्छा संभव है, मगर मुझे कुछ करना है तो मुझे टाइम देना पड़ेगा, मुझे पैसा देना पड़ेगा, मुझे कुछ तो भी उसके लिए कष्ट करने पड़ेंगे, कुछ तो भी काम करना पड़ेगा, और वो सब इन्वॉल्व करता है रिस्क। शिकायत जहाँ जहाँ करते हैं, जहाँ जहाँ कंप्लेंट है, इसका मतलब यह है कि जो भी आपको मिल रहा है उससे अच्छा आपको मिल सकता है या आप चाहते हैं, मगर आप उसमें कुछ भी रिस्क लेना नहीं चाहते। आप जहाँ से हो, आप जहाँ खड़े हो, वहाँ से आपको कहीं और जाना है, वहाँ कहीं और पहुँचना है और कुछ बड़ा आपको हासिल करना है, तो आपको जोखिम लेनी पड़ेगी, रिस्क लेनी पड़ेगी। पर आपने चुन लिया है कि आप जहाँ भी हो वहाँ ठीक हो, मुझे कुछ रिस्क लेने का नहीं है, जिम्मेवारी लेने की नहीं है, तो फिर आपको कुछ संभव नहीं है। आपको कुछ हासिल करना है, कुछ करना है तो आपको निर्माण करना पड़ेगा, रिस्क लेनी पड़ेगी, एफर्ट करने पड़ेंगे, टाइम देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, और फिर जो भी आप देंगे शिकायत करने के बजाय सब ये कुछ करना पड़ेगा, और फिर आप वहाँ पहुँच सकते हैं। शिकायत करना मतलब इनएक्शन है, नो एक्शन। जहाँ जहाँ जब जब हम शिकायत करते हैं वहाँ कुछ एक्शन करते नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे शिकायत करते रहते हैं, और जो भी ज़िंदगी चल रही है उसका स्वीकार कर लेते क्योंकि हमको कुछ करना नहीं है। तो आज ठान लो, एक कागज़ पेन लो और मन में पक्का करो और वो लिखो कि भाई मैं कहाँ कहाँ कंप्लेन कर रहा हूँ, कहाँ मुझे कंप्लेन है,
कहाँ कहाँ मैं शिकायत करता हूँ, गर्मी है तो गर्मी है, ठंडी है तो ठंडी है, पानी आ रहा है तो कंप्लेंट है, पानी नहीं आ रहा तो कंप्लेंट है, लोगों का बर्ताव करना, धंधा चलना धंधा नहीं चलना, जो भी आप कंप्लेंट कर रहे हैं, इसका स्वभाव उसका स्वभाव कैसा है, उसने क्या बोला, उस मतलब जितनी जहाँ भी आपकी कंप्लेंट है, मेरी सास ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, जहाँ भी आपको कंप्लेंट है लिख लो, देखो कि वहाँ आप जवाबदारी नहीं ले रहे। जो भी व्यक्ति आपके साथ में जैसा भी बर्ताव कर रहा है उसके आप जवाबदारी लो, उसका स्वीकार करो, और आप क्या कर सकते हो उसके लिए वो देखो, आपकी पूरी कंप्लेंट निकल जाएंगी, पूरी शिकायत निकल जाएंगी। तो आज से ठान लो कि कंप्लेंट करना बंद करो, शिकायत नहीं करना है, कुछ भी हो जाए उसमें कुछ ना कुछ एक्शन नहीं लेने का है। काफ़ी सारे लोग आपके परिचित है कि जो ऐसा इस तरह का जीवन जी रहे हैं कि सिर्फ वो कंप्लेंट करते रहते, एक्शन लेंगे नहीं, और नाराज़ रहेंगे, उदास रहेंगे, देखो मेरी ज़िंदगी कैसी है ऐसा बोलते जाएंगे, देखो मेरी ज़िंदगी में मेरा नसीब ख़राब है ऐसा बोलते जाएंगे। ये वीडियो उनको शेयर करो, उनको बताओ कि आपको कृति करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो फैलाओ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो के सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी आती है उसके ऊपर प्रेस करो, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।